तो दोस्तों लास्ट टाइम रेरा के द्वारा जो है रजिस्ट्री का प्रोसेस कैंसिल कर दिए जाने के वजह से हमारा रजिस्ट्री का काम जो है रुक गया था, लेकिन फाइनली जो है अब जो है रेरा ने अपने रजिस्ट्री का जो उन्होंने रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगाया था उसको विड्रॉ कर दिया है और अब जो है रजिस्ट्री चालू हो गई है और मुझे मेरा रजिस्ट्री का डेट मिल चुका है। तो कल हम लोग सुबह सुबह जो है जाने वाले हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में और वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है दिल्ली में रजिस्ट्री होता है, क्या क्या प्रोसेस है, कहाँ कहाँ हमें जाना पड़ता है, कितनी परेशानियाँ होती है, समझ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकिरण ब्लेस से स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि आपको इस चैनल पे आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरा प्रोसेस विस्तार से। तो दोस्तों हम लोग अपना अधूरा काम जो रजिस्ट्री का जो हमारा काम था जो अधूरा रह गया था लास्ट टाइम उसको कंप्लीट करने के लिए अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि सेंक्शन आ चुका है। रेरा ने जो है अपना जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था उसको विड्रॉ कर दिया है और अब जो है हम लोग इस मेट्रो में बैठेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस मेट्रो में बैठ के हम लोग जाएंगे अपना रजिस्ट्री का काम कंप्लीट करने के लिए। वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आपको सब जानकारी हम देंगे। देखिए हम लोग उतर चुके हैं और हम और जायरा चल रहे हैं। ये देखो जायरा, इधर देखो, इधर देखो कैमरा में, सामने देखो, देखो हम लोग पहुँच चुके हैं। वाह, जायरा जल्दी चलो, टाइम हो गया जाने का, जल्दी चलो, कम कम फास्ट, कम ऑन। हम लोग डिस्ट्रिक्ट सेंटर पहुंच चुके हैं, मतलब जनकपुरी वेस्ट पहुंचे हैं और अभी हम लोग जाएंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर रजिस्ट्रार ऑफिस में। तो एग्जिट करते हैं अभी मेट्रो को। और ये जायरा भी है, ये हाय बोलो, हाय। तो फाइनली हम लोग जो है रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच चुके हैं। इसी बिल्डिंग में रजिस्ट्रार का ऑफिस है, लेकिन पहले हम जाएंगे एडवोकेट के ऑफिस में जो कि सेकेंड फ्लोर पे है। और एडवोकेट के ऑफिस में जाके हम जो है रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे कि उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है अपना रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। एक एक डॉक्यूमेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होता है, नाम में मिस्टेक होता है, कुछ भी अगर गड़बड़ी होता है तो आप उस टाइम तक ही सुधार पाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है हमने बैलेंस पेमेंट जो है पे किया और यहाँ पे जो है रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है उस पर साइनिंग प्रोसेस चालू हो चुका है। तो ये जो यहाँ पे फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का साइन जाता है, फ़ोटो लगता है, उसके बाद जो है विटनेस का साइन, सिग्नेचर और साइन और नाम एड्रेस वगैरह जाता है और यही डॉक्यूमेंट जाता है रजिस्ट्रार के दफ्तर में। तो यहाँ पे हम लोग जो है रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अपना टोकन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हमारा टोकन नंबर आएगा हम जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे और वहाँ पे रजिस्ट्रार हमारा डॉक्यूमेंट चेक करेगा और सभी विटनेस को चेक करेगा, उसके बाद जो है प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से जो है मैं रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर का शूट नहीं कर पाया, वहाँ पे क्लियरली उन्होंने मना कर दिया कि आप शूट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जितना मैंने सोचा था कि डिफ़िकल्टी होगी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा टोकन का नंबर आया, हम अंदर गए, अंदर जाने के बाद एक और छोटी सी वेटिंग लिस्ट मिली, वेटिंग थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट का वेट किया वहाँ भी हमने अंदर, उसके बाद जो है हमारा नंबर आ गया और हम रजिस्ट्रार के पास गए, ठीक है। रजिस्ट्रार एक महिला थी, हम उनके पास गए, वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्टी का जो है आधार वेरीफाई किया और वेरीफाई करने के बाद उन्होंने अपना सिग्नेचर किया। उसके बाद जो है विटनेस, दो विटनेस थे, दो विटनेस का जो है आधार वेरीफाई किया, उसका एज वेरीफाई किया और सिग्नेचर किया। उसके बाद डॉक्यूमेंट को भेज दिया गया अगले सेक्शन में जहाँ पे जो है
फोटो खींचा जा रहा था सबका, ठीक है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी एंड विटनेस का फोटो खींचा। फोटो खींचने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो भी बोल सकते हैं उसको, वो भेजा गया फाइनल सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो अगले ऑफिस में हम लोग गए और वहाँ पे ये जो इन्होंने जो यहाँ पे फोटो खींचा था उसका कॉपी वहाँ पे पहुँच गया दूसरे सेक्शन में, और वहाँ पे प्रिंट आउट होके और फिर जो है सभी जो है फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी एंड विटनेस अपने अपने फोटो के सामने में सिग्नेचर किया, उसके बाद अपना थंब इम्प्रेशन दिया वहाँ पे, और उसके बाद हमें कहा गया कि अब आप लोग जा सकते हैं, दो दिन में जो है आपका रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके पास मिल जाएगा, आपके एड्रेस पे मिल जाएगा, भेज दिया जाएगा या आप आके कलेक्ट कर लेना। तो हमने बोला कि आप एड्रेस पे सेंड कर देना, तो दो दिन बाद हमारा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनली जो है रजिस्ट्री का काम जो है कम्प्लीट हो गया है, और रजिस्ट्री जो है परसों तक रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कल परसों तक आ जाएगा डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ से बनके। बाकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लिया गया है, जैसा कि पहले डिसाइड किया गया था उतना ही चार्जेस जो है हमने दिया है जो भी था, और वो मैं आपको बताऊँगा आगे वीडियो में कि कितना चार्जेस हमने वकील को पे किया है, और अब आगे का क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताएँगे कंटिन्यू वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा।